यदि आप एक छोटे स्मॉल यूट्यूबर हो तो ये वीडियो देख लो। यदि आप ब्लॉगिंग करते हो अपने फ़ोन से और आपके पास गिम्बल नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है। यदि आपके पास गिम्बल है तो आप जा सकते हैं। यदि आप गिम्बल पर पैसा खर्चा करना चाहते हैं तो ये वीडियो पहले देख लें। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। मेरा नाम है बिल्टू, टेक्निकल बिल्टू में आपका स्वागत है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्क्रीन पर मैं एक वीडियो प्ले करूंगा, पहले आप उसे देख लें। जैसे आपने वीडियो में देखा कि वीडियो में कितना सेकनेस आ रहा है, हाथ हिल रहा है और वीडियो में कितना ख़राब से शूट हो रहा है। यदि इस वीडियो को आप स्टेबलाइज करना चाहते हो तो एक ऐप का यूज़ करके आप इसे स्टेबलाइज कर सकते हो। तो मैं यूज़ करूँगा गूगल फोटो का, जो स्टेबलाइज करने में हमारी मदद करेगी। यदि आपको नहीं पता है तो ये वीडियो ज़रूर देखो। आपको चले जाना है गूगल फोटो पर और उस वीडियो को ओपन करना है जो वीडियो आपने शूट किया है। शूट करने के बाद यहाँ पर देखिए, शेयर के बाद एक ऑप्शन है कुछ थ्री डॉट करके, उसे आप क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक्सपोर्ट के बाद कुछ ऐसा स्टेबलाइज का ऑप्शन दिख रहा है, उसे आप एक बार क्लिक कर दें। ये ऑटोमेटिक स्टेबलाइज हो जाएगा। स्टेबलाइज होने के बाद आपको मैं वीडियो को प्ले करके दिखाऊंगा। चलिए इसे स्टेबलाइज होने देते हैं। तो हमारा वीडियो स्टेबलाइज हो चुका है। अब इसे सेव करने के लिए यहाँ पर कोने में सेव कॉपी पर क्लिक करें तो यह आपका वीडियो सेव होने शुरू हो जाएगा। मैं आपको वीडियो में दोनों वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। तो चलिए वीडियो प्ले करते हैं। आपको मैंने स्क्रीन पर दोनों वीडियो प्ले करके दिखाया, बिफोर एंड आफ्टर करके। यदि आप चाहते हैं कि कौन सा वीडियो अच्छा, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें। यदि इस टाइप के वीडियो पाना चाहते हैं एंड्रॉयड टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को